जी बिल्कुल, 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाव गिराव जो केस है उसमें ATC की जानिब से जो है वो मुलजिमान को जमानत दी गई थी, जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने जमानत की मनसूख के लिए पिशावर हाईकोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि अब तक 310 मुलजिमान को जो है वो जमानतें दी जा चुकी है, हालांकि ये मुलजिमान जो थे वो बराह रास्त नामजद थे और अक्सर मुलजिमान को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था, इसलिए जो है इन मुलजिमान की जमानतें मंसूख की जाए क्योंकि खदशा है कि जमानत पर रिहा होने वाले मुलजिमान दोबारा ये जराइम कर सकते हैं, इसलिए इंसदादी दहशतगर्दी का फैसला कल अदम करार देकर जमानतें मंसूख करके मुलजिमान को दोबारा तहवील में लेने की इजाजत दी जाए। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।